तो देखिए एनिमल टिश्यू के बारे में मैंने जो आपको पढ़ाया, देखिए जैसे मैं एक बार थोड़ी देर का क्विक रिवीजन देता हूँ कि जो प्लांट टिश्यू जैसे होते हैं उसी तरह से एनिमल टिश्यू भी होंगे, उनमें भी अलग अलग सेल्स का ग्रुप पाया जाएगा जो अपना अपना काम करेगा। अब ये चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं, एपिथीलियल टिश्यू जो कवरिंग करते हैं बॉडी की, ऑर्गन्स की, समझ रहे हो ना। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर या वो जो एक दूसरे को मसल्स, मतलब जो बॉडी में मसल्स होती हैं वो, समझते हो आप लोग। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं दो सेल्स, दो अलग अलग सिस्टम को आपस में। उसके बाद आपका फोर्थ हो गया नर्वस टिश्यू, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है एपिथीलियल टिश्यू जो कवर करता है, उसके दो टाइप होते हैं, सिंपल एपिथीलियम और कॉम्प्लेक्स एपिथीलियम। सिंपल यानी जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाएगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी नीचे एक, उसमें कॉलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाएगा, याद रखना इस बात को। और वो अगर हम बॉईल करें इस लेयर को तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जेलेटिन जैसा। उसके बाद दूसरी बात और भी है कि ये एपिथीलियल टिश्यू ऐसा है जिसमें कोई भी कनेक्टिव यानी ब्लड वेसल्स, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। एपिथीलियल टिश्यू में कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। वैस्कुलर मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं होंगी इसके अंदर। और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊपर सेल्स रखी, मान लो ये सेल है और इसके नीचे भी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो नीचे दूसरे होंगे टिश्यू, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको उससे अलग करती है, समझ रहे हो। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब मैंने एपिथीलियम के कॉम्प्लेक्स और सिंपल दो टाइप बताए थे, अभी हमने सिंपल वाले के बारे में डिस्कशन करना है, वही ना कि हमने स्क्वामश के बारे में पढ़ा हुआ है। ओके तो हम बात करेंगे, पहला है आपका स्क्वामश, स्क्वामश एपिथीलियम। सिंपल मैं ऊपर लिख देता हूं, सिंपल एपिथीलियम का टाइप है ये, सिंपल। हाँ बिल्कुल लिखना है, सिंपल एपिथीलियम का टाइप है ये। और उसके नीचे स्क्वामश एपिथीलियम आपका पहला टाइप होगा। देखिए मैं इसके बारे में बताऊंगा, जब भी हम ये टिश्यू पढ़ेंगे तो हमको तीन बातों को ध्यान रखना है। पहली बात कौन सी ध्यान रखनी है, उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका लोकेशन, और उसके बाद तीसरा उसका फंक्शन। तो अब मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसको सिंपल जो स्क्वामस एपिथीलियम है, इसमें एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जा रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है आपको ये, उसके ऊपर सेल्स की लेयर पाई जाएगी, सेल्स की लेयर, और सेल्स की लेयर बड़ी ही थिन होगी, पतली सेल्स हैं, बहुत ही थिन सेल्स हैं। तो ये हम जान गए कि ये सेल्स बहुत ही थिन हैं और उनका न्यूक्लियस भी आपको यहां पे दिख रहा है, यानी क्रस्ट जैसी सेल्स होंगी, बहुत पतली सेल्स होंगी, बहुत ज्यादा मोटी सेल्स नहीं होंगी, बहुत थिन सेल्स होंगी। चलिए ये तो बात समझ में आ गई, यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ऊपर ये सेल्स हैं। ओके तो ये तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल गया, ब्लड वेसल्स नहीं है इसके बीच में कहीं पे भी है। अब ये बॉडी में अलग अलग जगह पर पाया जाएगा, कहां कहां पर होगा वो मैं नाम लिख देता हूं और छोटा थोड़ा उसके बारे में समझा भी दूंगा, ठीक है। देखिए ये एक प्रकार की, जो मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं, सबसे पहले आपको ऊपर वाला डायग्राम समझना है। अगर कोई फ्लैट शीट है आपके पास, एक फ्लैट शीट है कोई आपके पास में, तो आप उसे क्या क्या बना सकते हैं आप भाई, उसको फोल्ड कर देंगे, ऐसे गोल कर देंगे तो पाइप बन जाएगा, ये ब्लड वेसल दिख रही है आपको, स्किन की ऊपर लेयर है, ये तो समझ में आ गई होगी आसान से, ऐसी लेयर होगी स्किन की ऊपर लेयर, ये तो समझ में आ गई होगी। ब्लड वेसल्स बनाना, ऐसे फोल्ड कर दिया, ब्लड वेसल बन गई। उसके बाद आप देख रहे हैं एल्वियोली, एल्वियोली भी देखो फोल्डिंग है, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, पतली लेयर है, हमने उसको ऐसे गोल गोल बना दिया, तो ये एल्वियोली हो गई। भाई आप एक काम करिए, आपके घर में बल्ब है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, आप उसको ऑब्जर्व करिए, वो पतली लेयर का तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है भाई, आप उसको तोड़ दीजिए तो आपको पतली लेयर तो देखने को मिलेगी, तो ये वही हो गया। इसके बाद आप यहां देख रहे हैं इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, तो जैसे स्किन में यहां पे है,
वैसे माउथ के इनर लाइनिंग पे है, गुड। उसके बाद किडनी का ये बोमेंस कैप्सूल, ये आपको टेंथ में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में आपको टेंथ में बताऊंगा मैं कि ये क्या काम करता है। अगर आप नेफ्रॉन का डायग्राम को देख लेंगे थोड़ा बहुत तो आपको पता चल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। पर यहां पर अभी फिलहाल के लिए नेफ्रॉन का डायग्राम इतना ही बताऊंगा मैं आपको, उसमें यहां पर होता है। तो ये स्ट्रक्चर और ये इसका लोकेशन, बहुत ही आसान है, ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जितना आसान इसका स्ट्रक्चर है उतना ही आसान इसका फंक्शन भी है भाई। जहां पर भी ये होगा एक ही काम करेगा, क्या? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, याद रखना इस बात को, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अगर ये स्किन में है तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, आपको यहां लिख लेना होगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देखो यहां पर जगह का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अगर एपिथेलियम जहां पर पाया जा रहा है वो वही काम करेगा वहां पे। अगर ये स्किन में है तो प्रोटेक्शन कर रहा है, समझ में आ गई बात आपको। इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में है वहां पर भी प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ब्लड वेसल्स में है तो चीजों को ट्रांसफर करने का काम करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। जब भी ये आपको आगे में पढ़ाऊंगा, जब ब्लड वेसल से, जैसे ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है तो उसी ब्लड वेसल से ही चीजें बाहर निकलती हैं। हाँ नहीं होता नहीं, लेकिन डिफ्यूजन होता है उसके बीच में। जैसे तुम पानी पियोगे तो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो वो भी डिफ्यूजन होगा ना। खाना खाओगे वो भी डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होगा। तुम्हारी आंतों में छेद थोड़ी नहीं है, इंटेस्टाइन में कोई ऐसे होल थोड़ी ना किए गए हैं कि तुम्हारी इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो रहा है। सांस ले रहे हो, ले लिया, अंदर गया ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन बॉडी में कैसे जा रही है, अंदर छेद है तुम्हारे लंग्स में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो जो एल्वियोली है उसमें क्या होता है, एल्वियोली के पास यहां पर ब्लड वेसल होती है, कहीं भी ब्लड वेसल होती है ना, वो इसका एक ही काम है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसको कैपिलरी बोलते हैं, ब्लड वेसल की भी सबसे पतली ब्लड वेसल जो होती है उसको कैपिलरी कहते हैं। तो यहां पर कर क्या रही है, यहां पर जो ऑक्सीजन आई उस ऑक्सीजन को ये यहां ट्रांसफर करेगा, डिफ्यूजन। तो देखो दोनों काम हो रहे हैं, दोनों दोनों जगह पे, दोनों चीज एक ही बार में समझ में आ गई। अगर ये एल्वियोली में है तो ये क्या कर रही है, अगर ये एल्वियोली में है तो ये क्या कर रही है, डिफ्यूजन। और अगर ये ब्लड वेसल में है तो भी डिफ्यूजन का काम कर रही है। तो दोनों काम बहुत ही आसान लग रहे हैं आपको, दोनों काम समझ में आ गए, ओके। तो यहां पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। जैसे आप ब्रैकेट में इसके आगे लिखना है यहां पे डिफ्यूजन, यहां पे आपको लिखना है एक्सचेंज ऑफ मटीरियल डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में आप लोकेशन आप जानते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वो जानते हैं। क्या क्या लोकेशन हो सकती है, एल्वियोली में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाई यहां से बाहर जा रही है, और ब्लड वेसल्स में मटेरियल जैसे कि हमारा जो ब्लड में जो हम चीजें भेजते हैं पूरे बॉडी में फूड वगैरह, वो सब ब्लड वेसल्स ही भेजती हैं। किडनी में भी डिफ्यूजन होता है, यहां पर भी डिफ्यूजन होता है। तो आप ये समझ गए, प्रोटेक्शन और डिफ्यूजन यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यही दो इसके मेन काम है, ओके। आसान है टॉपिक, किसी को दिक्कत, बस दो ही है। एक और बात भी है, प्रोटेक्शन वाली बात जब मैंने कही है तो प्रोटेक्शन यहां पर जर्म्स और बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्शन होता है यहां पे स्किन में, वो उसी के अंदर की बात है, ओके। अगर एनिमल टिश्यू का एपिथीलियम का पहला समझ में आ गया अगर, तो आगे भी आ जाएंगे आसानी से। और अगर आपको पहला ही नहीं समझ में आया तो फंस गए फिर, तब तो खेल खत्म, फिर आपको लगेगा बोरिंग टॉपिक, आपको बहुत समझ में नहीं है, क्योंकि ये बहुत एनटीएससी के लिए, आप नेक्स्ट ईयर जब आप एनटीएससी की तैयारी करेंगे ना तो भी यही टॉपिक आएगा एग्जाम में, याद रखना। आप कहीं पे भी कोई भी ओलंपियाड एग्जाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, मैं बाहर का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, आप एनसीईआरटी खोल लो उसमें भी ये दिया गया है। हाँ थोड़े वर्ड्स में घुमा दिए मॉड्यूल में, ऐसा कुछ नहीं है, बस बेसिक्स फंडामेंटल यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको बस इतना करना है, जो पढ़ा रहा हूं उसको यहीं पर याद करना है और घर पर जाके एक बार दोबारा उसको ओपन करना है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवीजन करना। अगर आप वो डेली का डेली नहीं कर रहे तो वो कुछ भी मतलब नहीं है, बेकार है सब आपके लिए, क्योंकि वो पाइलअप होता जाएगा
और बढ़ाएगा टेंशन स्ट्रेस। देखिए सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो सेल्स की जो शेप है वो थोड़ा क्यूब शेप होता है, और क्यूब शेप जो सेल्स होती हैं उनका जो शेप होता है वो एक जैसा दिखता है आपको, मतलब जो लेंथ ऑफ ब्रेथ होती है वो एक जैसी दिखती है आपको। और यहां पर जो इसका जो लोकेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लोकेशन जानना है आपको। तो इसका डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट मतलब क्या होता है, पाइप। अब पाइप छोटा मोटा नहीं होगा, कहां पर होगा, जैसे डक्ट नहीं होता पानी, टंकी के पानी नीचे आ रहा है डक्ट से आ रहा है, उसी तरह से ये जो भी ग्लैंड होती है, जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं एक्सोक्राइन, इसके बारे में आपको मैं और बताऊंगा, वैसे तो टेंथ का टॉपिक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो प्रकार की ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन जिससे ऐसा सेक्रेट होता है जो सीधे बाहर आता है, और एंडोक्राइन जिसमें से जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ब्लड में जाता है, स्वेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैं यहां पे चाहो तो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, स्वेट, म्यूकस और सलाइवरी, ये कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लैक्रिमल ग्लैंड, टियर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, आंखों के अंदर होती है ऊपर साइड में, यहां पे पलकों के पास, वो भी यही काम करती है। अच्छा, अब इसका ये तो हो गया लोकेशन, पहला हो गया डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। दूसरा भैया डक्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग, मैं एक बार डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा आपको। ऐसा मान लो ये ग्लैंड है, मतलब ये ग्लैंड है मान लो, और उसका डक्ट आगे का होता है ये पाइप, ये पाइप इससे बना हुआ है। मैं पूरा बना दूं इसको, इसमें थोड़ा कलर ये हो गया, पर मैं आपको पूरा कलर भी समझा देता हूं। चलो ये हो गया एपिथीलियम, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गए इसकी सेल्स। अब समझ आ गया आपको, ये डक्ट इसी से बनी हुई है। ओके, बहुत ही आसान हो गया। किडनी ट्यूब्यूल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था किडनी के बारे में, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो इसके आप याद करिए, रिकॉल करिए, इस पार्ट में कौन सी सेल्स होती हैं, यहां पे इस जगह पे कौन सी सेल्स होती हैं, स्क्वामस एपिथीलियम। और अगर मैं इस जगह की बात करूं, इस जगह पे यहां पर क्यूबॉइडल, यहां पर क्यूबॉइडल, याद रखना इस बात को, और यहां पर स्क्वामस, बहुत अच्छे लेवल पे ये टीचिंग हो रही है, अगर अभी भी नहीं समझ में आई ना तो कभी नहीं आएगी समझ में। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मॉडिफाइड फॉर्म, कभी कभी ये बदलते भी हैं, होते ही हैं बॉडी में, होते ही हैं हमारी ये, जैसे टेस्टिस के अंदर एक लेयर पाई जाती है इनकी, और ओवरीज के अंदर भी इनकी लेयर पाई जाती है ऐसी। अब ये करते क्या है, ये बार बार डिवाइड होते हैं, लगातार डिवाइड होते हैं। शुरुआत मैंने पढ़ाया था आपको लगातार डिवाइड होने की पावर, यानी टोटिपोटेंसी, एक प्रकार की इनमें लगातार डिवीजन की पावर पाई जाती है, और ये डिवाइड टोटिपोटेंसी, और ये डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होके बनते हैं, नई सेल्स बनाते हैं, और ये कहलाएंगे जर्मिनेटिव एपिथीलियम। क्या कहलाएंगे, जर्मिनेटिव एपिथीलियम। इसके बाद फंक्शन बात करूंगा जब इनकी, तो देखो ये तीन वर्ड लिखे हुए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सब लोग, ओए सब लोग ध्यान से देखो, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और एक्सक्रेशन एक ही चीज होती है, बात केवल नजरिए की है और चीज की है। ये तीनों प्रोसेस एक ही होते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये तीनों होते हैं, मतलब निकालना, बाहर निकालना। अब एब्जॉर्प्शन यानी किसी चीज को अंदर लेना, सेक्रीशन यानी किसी चीज को बाहर छोड़ना, लेकिन कैसा सामान होगा, यूजफुल सामान होगा ये, और एक्सक्रीशन भी किसी चीज को बाहर छोड़ना ही है, लेकिन ये क्या होगा, वेस्ट, और ये भी बाहर देना है, ये कैसा है, और यूजफुल, जैसे सलाइवा निकल रहा है यूजफुल है, समझ रहे हो, स्वेट निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है, स्वेट, स्वेट निकल रहा है, वो इसमें आएगा कि इसमें आएगा, ये बात समझ में आ गई, मजा आई, समझ में आया, एक्सक्रीशन इसमें आएगा स्वेट वाला, और म्यूकस और सलाइवा सेक्रीशन में आएगा, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। एब्जॉर्प्शन यहां पे होगा, एब्जॉर्प्शन जो है
यहां पर होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ये प्रोटेक्शन करता है, ये प्रोटेक्शन करेगा, जैसे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड हो गया, जनरल एपिथेलियम हो गया। इसके अलावा ये मैकेनिकल, यानी कोई चीज को सपोर्ट देना, किसी चीज को सपोर्ट देना, या कहीं पर भी ऐसा है ये, तो उसको सपोर्ट दे रहा है किसी ऑर्गन को या उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो इतना इसके लिए काफी है जो मैंने आपको बता दिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। दैट्स इट, ओके।